हेलो फ्रेंड, कैसे हो? तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ फटी एड़ियों के लिए। तो जिस भी घरेलू लेडीज़ की फटी एड़ियाँ जहाँ जॉब करने वाली हैं, तो इस रेमेडी से आपकी बहुत अच्छी जो एड़ी है वो सॉफ्ट और अच्छी हो जाएंगी, जो फटी हुई हैं वो भर जाएंगी। तो करना कुछ नहीं, आपको सरसों का ऑयल लेना है। आप देख सकते हैं, ये मैंने सरसों का ऑयल लिया और इसको नाइट को सोने से पहले एड़ियों पर लगाना है। ठीक है, तो आप मैं इसको थोड़ा सा हथेली पर डालूँगी और अपनी एड़ियों पे इसको रब करूँगी, अच्छे से रब करूँगी, ताकि जो तेल ऑयल है सारा उसमें एड़ियों में से सूख जाए, सूख ले। तो सूखने के बाद आपको ओवरनाइट रहने देना है और कुछ नहीं करना है। और फ्रेंड्स, एक बहुत ध्यान रखनी है, जब भी आप मालिश करोगे तो ये देख सकते हैं आप मेरी एड़ियाँ कैसे क्लीन हो रखी हैं। तो अच्छे से मसाज करनी है और पूरे पाँव पे अच्छे से मसाज करनी है, एड़ियों पे अच्छे से तेल लगाना है और मसल अच्छे से, तो जो पूरा हमारा जो ऑयल है डीप मॉइस्चराइज होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और जब अच्छे से ऑयल सूख जाए तो उसको छोड़ दीजिए और रात तक भर रहने दीजिए। अगले दिन आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट कितना अच्छा आ जाएगा, आपकी एड़ियाँ जो क्लीन। ये आपको कम से कम 7 दिन अप्लाई करना है, लगातार आप 7 दिन अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट आपको अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो कैसी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे यूट्यूब चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना आपको कैसा आपका रिज़ल्ट मिला है। तो मुझे बताना आपको क्या रिज़ल्ट मिला है, तो मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। तो ये आप देख सकते हैं मेरी एड़ियाँ कितनी क्लीन हो रखी हैं, इसमें कोई भी किस तरह की फिटिंग नहीं है। तो ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इसको अप्लाई किया था तो मुझे इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, इसीलिए मैंने आपके लिए भी ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी इसका अच्छे से बेनिफिट मिल जाए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। तो कैसी लगी वीडियो? थैंक यू फ्रेंड्स।